हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल लर्न कैसे करते हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे किसी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड फिफ्टींथ ग्रुप, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड फिफ्टींथ ग्रुप, ओके। तो आपको एक्स का एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहले अब मैं एटॉमिक नंबर निकालने के तरीका बता देता हूं। तो फोर्थ पीरियड फिफ्टींथ ग्रुप बोल रहा है, तो फिफ्टींथ ग्रुप कौन सा है भैया मेरे पीरियोडिक टेबल, इसलिए मैंने लर्न करा है कि फिफ्टींथ ग्रुप बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ जाए, नाइट्रोजन फैमिली है। तो न्यूज़ पेपर आज सब बिकेगा, ओके। तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, तो हमें इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि एक्स इसी फैमिली में का कोई एलिमेंट है। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, तो ये बोल रहा है एक्स कहाँ है, फोर्थ पीरियड में है और फिफ्टींथ ग्रुप में है। तो फिफ्टींथ ग्रुप ये होता है नाइट्रोजन फैमिली, फिफ्टींथ ग्रुप। फोर्थ पीरियड कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन का आपका कौन सा पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड होता है, ठीक है। और फॉस्फोरस का थर्ड और इसका आर्सेनिक का फोर्थ होता है। तो भैया मेरे हमारा एक्स क्या आ गया, आर्सेनिक आ गया, एक्स हो गया आर्सेनिक, ओके। हमें एक्स पता चल गया आर्सेनिक है, तो लेकिन एक्स का हमें एटॉमिक नंबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि एक्स के वैलेंस शेल में कितने एस इलेक्ट्रॉन है, कैसे पी, कितने पी इलेक्ट्रॉन है, कितने डी इलेक्ट्रॉन है। तो एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन हम तभी बता पाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन लिख लें, और उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन लिखने से पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो पहले एटॉमिक नंबर लर्निंग ट्रिक्स मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है आपको, ओके। तो आर्सेनिक का अगर एटॉमिक नंबर आपको निकालना है, तो इन जनरल 1 से 20 तक का तो सबको याद होता है एटॉमिक नंबर, सबको याद होता है, बस उतना ही चाहिए। जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है, आप सबको पता है नाइट्रोजन का 7 होता है, बस इतना ही चाहिए कि किसी भी फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट का नाम एटॉमिक नंबर आपको सबको पता रहता है। तो फर्स्ट एलिमेंट का याद है, तो इनका ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए एक होती है मैजिक नंबर, ये 2 डॉट 8 डॉट 8 डॉट 18 डॉट 18 डॉट, ठीक है, 32, ये पता सबको होता है, लेकिन सही तरीके से इसका यूज़ कैसे करते हैं कोई नहीं जानता भाई मेरे। सही यूज़ क्या है इसका, कि गलत ना हो कुछ भी, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए, ओके। हमें ये पता चल गया किसी भी फैमिली का अगर हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, तो पहले देखिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के उस फैमिली में कितने एलिमेंट है। ध्यान दीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट के छोड़ के कितने एलिमेंट उस फैमिली में है, तो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के 4 एलिमेंट उस फैमिली में है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, बस 4 एलिमेंट है। तो नीचे से 4 मैजिक नंबर काउंट करो, ठीक है, नीचे से ये 4 मैजिक नंबर काउंट करो, जितने एलिमेंट होंगे उतने मैजिक नंबर नीचे से काउंट करना है। तो 1 2 3 4, 4 मैजिक नंबर हमें आपको मिल गए, ओके, 4 मैजिक नंबर मिल गया। तो अब देखिए 4 मैजिक नंबर, अब इन्हीं को ऐड करते आओ ऊपर से नीचे, इन्हीं को ऊपर से नीचे ऐड करो, जैसे 7 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा भैया मेरे, 15 आ जाएगा, 15 में आपको क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है, 33 आ जाएगा, 33 में फिर 18 जोड़ना आपको 51 आ जाएगा, और 51 में 32 जोड़ना है आपको क्या आ जाएगा भैया मेरे, 83 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, क्या मैंने बोला फर्स्ट एलिमेंट का याद है एटॉमिक नंबर, तो सबका आसानी से निकल जाएगा इस मैजिक नंबर से। आपको करना क्या है कि देखना है फर्स्ट एलिमेंट के छोड़ के कितने एलिमेंट उस फैमिली में है, ठीक है, जितने एलिमेंट होंगे उतने मैजिक नंबर को नीचे से काउंट कीजिएगा, नीचे से काउंट कीजिएगा और ऐसे ऊपर से ऐड करते आइएगा, ओके। तो एक और मतलब मैं करवा देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन फैमिली का निकालना है आपको, ह ली ना की रब से फरियाद, हर एक मतलब SPDF ब्लॉक का एक एक ठो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का हमको पता है एक होता है, बाकी इनका नहीं पता है, कुछ नहीं है। हाइड्रोजन को छोड़ के देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो काउंट करो नीचे से, 1 2 3 4 5 6 मैजिक नंबर हो गई, इनको ऐड करते आओ। तो इसमें क्या हुआ, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, 2 में 8 जोड़ना है 11 आ गया, 11 में फिर क्या जोड़ना है आपको, 11 में फिर 8 जोड़ना है, 11 में फिर 8 जोड़ना है तो 19 आ गया। अब 19 में क्या जोड़ना है आपको, 18 जोड़ना है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 37 में फिर 18 जोड़ना है आपका यहाँ पे 55 आ जाएगा, ठीक है, 55 में फिर क्या जोड़ना है आपको, 32 जोड़ना है आपको, 27 आ जाएगा। सो सिंपल, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का याद है, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, ओके। अब एस, एक पी ब्लॉक का हो गया, एक एस ब्लॉक का हो गया, अब एक ले लेते हैं हम डी ब्लॉक का ले लेते हैं, जैसे स्कैंडियम, ठीक है, स्कूटर, यामाहा, ला एक,
ठीक है, डी ब्लॉक का ले ले। देखिए स्कैंडियम का तो आपको सबको पता होगा 21, फर्स्ट एलिमेंट का नाम एटॉमिक नंबर बस याद रखना है आपको फर्स्ट एलिमेंट का, तो स्कैंडियम का होता है 21। मैंने बताया था ना शक्ति वो कर्मन फेको निकजन, तो 21 से 30 तक का भी सबको याद होता है, तो बस उतना ही चाहिए डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। तो देखिए इसका होता है स्कैंडियम का 21। अब स्कैंडियम को छोड़ के कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो 3 मैजिक नंबर काउंट कीजिए, तो 1, 2, 3, तो ये हमें 3 मैजिक नंबर मिली। अब इनको जोड़ते आइए, तो 21 में अब 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरे, 39 आ जाएगा। 39 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया मेरे, 57 आ जाएगा। अब 57 में फिर हमको क्या जोड़ना है, 32 जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा आपका, 89 आ जाएगा। सो सिंपल, बस यही आपको देखना है, फर्स्ट एलिमेंट का सबको याद होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का याद है तो आपको देखना है फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के कितने एलिमेंट उस फैमिली में है, जितने एलिमेंट उस फैमिली में होंगे उतने मैजिक नंबर को नीचे से काउंट कीजिएगा और ऊपर से जोड़ते आइएगा। समझ में आ गया, सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक ओके। तो एटॉमिक नंबर ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई चैनल को, और भी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊँगा। ये तो ट्रिक नंबर दूसरी है, चलो तीसरी ट्रिक बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे विद इन ए सेकेंड निकाल सकते हैं, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही।